अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की परेशानी और बीमारियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है चना लहसुन फ्राई, और ये ग्रीन मसाले में बनाए मम्मी ने। इसके पहले हमने जो बनाए थे वो रेड मसाले में, दोनों ढाबा स्टाइल है और खाने में बहुत टेस्टी है, मज़ेदार है और अच्छे है। रमज़ान का महीना आ रहा है तो ऐसी सब रेसिपी बना बना के खाइए, अपने घर वालों को अपने बच्चों को खिलाइए। तो मम्मी ने इससे पहले रेड वाला चना लहसुन फ्राई आप सबसे शेयर किए थे और ये ग्रीन वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स है तो इसके लिए मम्मी ने सबसे पहले ओवरनाइट जो है ये चिकपीस जो चने काबोली चने रहते हैं, ये बड़े चने रहते हैं, सफ़ेद रहते हैं, ये मैंने पाव किलो भीगने डाल दी थी रात में, तो इस तरह फूल के बन गए थे, देखो इस तरह बन गए थे, वो अच्छे भीग गए थे। और फिर एक चम्मच नमक ली थी, एक बाटी लहसुन ली थी मैंने, लहसुन के जवे है, छिलके के साथ है ये, इसका छिलका नहीं उतारते। और दो हरी एक हरी मिर्ची कटिंग की थी मैंने, बारीक बारीक हरी मिर्ची काटी थी। और ये ली थी मैदा, एक चम्मच मैदा, और ये चावल का आटा है, राइस फ्लोर। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस है, इसमें ग्रीन चिली सॉस जाएगा, और ये साथ ही साथ ग्रीन कलर है तो ये लिक्विड ग्रीन कलर है। जो आपके पास अगर पाउडर है तो पाउडर भी डाल सकते हैं, मेरे पास लिक्विड था इसके लिए मैंने लिक्विड कलर डाली थी। तो कोई सा भी ग्रीन कलर चल जाएगा, अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में, जिस तरीके से भी चल जाएगा। साथ ही साथ मम्मी ने यहाँ पे एक गिलास पानी भी रखे ताकि इसमें जो है चने जो चिकपीस है उससे बॉयल कर सके। तो ये काबुली चने को मम्मी ने एक रात पहले भिगा के रखे थे, उसके बाद इसे क्लीन कर लेंगे दो तीन पानी से अच्छी तरीके से। उसके बाद अभी जो है मम्मी कुकर में ये चने डाल देंगे, साथ ही साथ मम्मी ने इसमें एक गिलास पानी डाल लिया है, और जो है इसमें एक चम्मच नमक डाल दी है, ये नमक सॉल्ट ऐड किए ताकि चने को नमक लग जाए, बॉईल होते हैं ना तो नमक लग जाता है चने को। अभी कुकर का ढक्कन लगा के दो से तीन सीटी लेंगे ताकि वो अच्छे से गल जाए। यहाँ पे इसकी मैरिनेशन करेंगे जो हम इस चने को कोट करने वाले, तो इसके लिए मम्मी ने लिए अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, एक हरी मिर्ची चॉप कटी हुई, ये ग्रीन चिली सॉस है ये भी एक चम्मच है, और ये नमक है आधा चम्मच नमक है, क्योंकि मैंने नमक डाली हूँ चने में भी नमक डाली हूँ, और ये चिल्ली सॉस वगैरह में भी नमक रहता है, और ये सोया सॉस है आधा चम्मच। अभी जो है मम्मी इसमें दो ड्रॉप ग्रीन कलर डालेंगे, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ग्रीन कलर। उसके बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, साथ ही साथ जो ड्राई फ्लावर थे उस आटा जो था ये मैदा है और राइस फ्लावर चावल का आटा, ये दोनों आटा जो इसमें जाएगा। साथ ही साथ मम्मी ने इसमें बेसन का आटा भी डाले हैं, बेसन का आटा मैंने लास्ट में डाली हूँ चने को कोटिंग करने के लिए ताकि इसका जो मैरिनेशन है अच्छी तरीके से उस पर कोट हो सके। तो पहले इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसमें तकरीबन आधा कप के करीब मम्मी ने पानी भी डाले हैं ताकि अच्छी तरीके से इजीली इसका बैटर फॉर्म हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं ऐड करना है कि एकदम लिक्विड सा हो जाए। और ये वाला जो मम्मी ने इसका बैटर बनाया इसमें एग नहीं डाले, ये एगलेस है। हाँ, पहले मैं जो बनाई थी रेड वाला उसमें मैंने एक अंडा डाली थी, इस ये बगैर अंडे वाला बना रही हूँ, क्योंकि जो नॉन वेज रहते हैं वेज रहते हैं उनका अलग रहता है, नॉन वेज का अलग पकवान रहता है ना, वो लोग नहीं खाते हैं ना अंडा वगैरह,
तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर है जिनमें से जो वेज खाते हैं तो उनके लिए ये स्पेशल रेसिपी है, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई किएगा। और इसमें देखिए मम्मी ने और थोड़ा सी कलर ऐड किया ताकि ये थोड़ा ग्रीनिश दिखे। हाँ, आटा वाइट रहता है ना, तो थोड़ा ग्रीन कलर आने के लिए मैंने और थोड़ा ड्रॉप्स डाल दी हूँ, और दो ड्रॉप्स, और उसको इस तरह अच्छी तरीके से मिला लो। तो ये थोड़ा थिक था तो इसे थोड़ा और लिक्विडी सा करने के लिए मम्मी ने इसमें तकरीबन थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते ताकि ज़्यादा लिक्विड ना बन जाए। तो देखिए इस तरीके से स्पून की हेल्प से कंटिन्यूस मिक्स कर लेना ताकि एक अच्छा सा एक बैटर बन जाए, और फिर इसे एक साइड पर रख दीजिएगा। नेक्स्ट हम जो है फिर कुकर में जो चने गलाने रखे थे वो चेक करेंगे कि वो बना है या नहीं। तो देखिए इस तरीके से ये फॉर्म में होना चाहिए जो मम्मी आपको शो कर रहे हैं, इतना लिक्विड होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी लिक्विड नहीं करना कि इसकी कोटिंग ही ना लग सके चने पे, तो बस ये जो बता रहे स्पून बस इतना ही होना चाहिए। अभी देखिए कुकर में जो रखे थे चने वो चेक कर रहे हैं मम्मी, वो अच्छी तरह बॉयल हुए या नहीं ये चेक कर रहे हैं। तो ये देखो मैं एक चना निकाल के प्रेस करके बता रही हूँ, देखो इतने अच्छे से गल गए हैं, इसी तरह गलना चाहिए, कितने अच्छे बन गए चने। तो मम्मी ने उसका पानी जो है छान लिए थे, ये जब बॉईल किए थे तो उसमें पानी डाले थे, तो जो पानी निकला था उसे छान लेना है। और चने तो अच्छे से गल गए, तभी हम इस ये बैटर में डाल देंगे चने। चने ज़रा ठंडे होने देना, उसके बाद डाल देना है। तो मम्मी ने इसे जो रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख दिए थे। तो देखिए इस पर जो है मम्मी मैरिनेशन जो उसका रेडी किए थे वो कोट कर रहे हैं, उसे मिक्स कर रहे हैं। तो अच्छी तरीके से चने को मिक्स कर दीजिएगा, स्पून की हेल्प से कंटिन्यूस मिक्स करते रहिएगा ताकि मैरिनेशन पूरा अच्छी तरीके से लग जाए, इस पर कोट हो जाए। और मम्मी जो है यहाँ पर शो भी कर रहे कि इस तरीके से होना चाहिए ये। तो देखिए ये एक एक चने को अच्छी तरीके से पूरा मैरिनेशन लग चुका है। इसमें चावल का आटा है, बेसन का आटा है, मैदा है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है, ग्रीन कलर है, हरी मिर्ची है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, चिल्ली सॉस है, सोया सॉस है। अभी एंड में मम्मी ने इसमें बेसन का आटा डाले हैं और चिक पीस फ्लावर, तो इससे ये होगा कि चने के आटे से अच्छे कोटिंग हो जाती है। ऊपर से मैंने सूखा चने का आटा डाली ताकि अच्छे से अगर आप चने का आटा नहीं डालोगे तो उससे ये होगा कि इसका जो मैरिनेशन अच्छी तरीके से उस पर स्टिक नहीं हो पाएगा, लगेगा नहीं। तो इसलिए बेसन फ्लावर जो है मम्मी ने 2 से 3 चम्मच ले लिए थे, 3 टेबल स्पून। और यहाँ पे सॉल्ट भी ऐड करें क्योंकि थोड़ा सी सब फ्लावर डालेंगे तो इसमें थोड़ा सी चने का आटा मैंने ऊपर से लगाई ना, उसमें चने के आटे के हिसाब में नमक डालते हैं, तो इस तरह उसको मिला लीजिए। ये देखो मैं मिला रही ना इस तरह, क्योंकि इसमें चावल का आटा और मैदा रहता है तो इसके अंदर चने का आटा डालना ज़रूरी है ताकि कोटिंग अच्छे से हो जाती है। उसमें जो है पहले बनाए थे रेड वाले, उसमें मैंने अंडा डाली थी तो उससे कोटिंग हो गया था, अभी मैंने चने का आटा डाली उससे कोटिंग। और इस तरह एक 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 करके डालो। अभी मम्मी ने फ्राई पैन में ऑयल डाल दिए थे और अच्छी तरीके से ऑयल हीट हो गया, तो उसके बाद 1 by 1 करके सभी चने को मम्मी ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो मेक श्योर करें कि ऑयल अच्छी तरीके से हीट हो, और उसके बाद जो है मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना। थर्डली 1 by 1 इसे डालना, ऐसा नहीं हो कि आप एक साथ पूरा अच्छा डाल देंगे पूरा एक साथ डाल देंगे तो चिपक जाएंगे, एक दूसरे को लग जाएंगे। तो एक एक चने ही डालते रहना ऑयल में, क्योंकि ये बिग बड़े साइज़ के होते हैं काबुली चने, तो ये इजीली डाल सकते हो आप। और फिर जैसे ये ब्राउन हो गए, क्रिस्प हो गए, ये बाहर से एकदम क्रिस्पी थे और अंदर से सॉफ्ट, तो फिर मम्मी ने जो है इसे ऑयल से निकाल लिए थे। तो देखिए इस तरीके से होते हैं ये। इसी तरीके से 1 by 1 करके सभी मम्मी फ्राई कर लो, सभी फ्राई कर लो, एक एक करके डालेंगे ना अलग अलग, तो फिर एक दूसरे को चिपकेंगे नहीं और अच्छे छुट्टे बनेंगे और अच्छे क्रिस्पी भी बनेंगे।
और जब आप लहसुन फ्राई करेंगे तो इस बात का ध्यान रहे कि वो उड़ते हैं, लहसुन उड़ते हैं, तो बस एहतियात से करना। तेल में डीप करके उठा लेना चम्मच, फिर डीप करना, फिर उठा लेना, ऐसा कर करके लहसुन फ्राई करना। तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी बनी थी। साथ ही साथ जितने भी लोग न्यूली हमको ज्वाइन किए, तो मैं उन सबको वेलकम करना चाहूँगी, वेलकम टू कुक विद फिरोजा मोहम्मद अली रोड। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन टू आवर चैनल एंड ट्यूनिंग ऑन आवर चैनल एंड लाइकिंग ऑल द वीडियोज़। जज़ाकअल्लाह खैर सभी वीडियोज़ को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। इसी तरीके से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हम लोग जो है नई नई रेसिपीज पोस्ट करते रहते हैं, अलग अलग टाइप की डिशेस आप सबसे शेयर करते हैं, और आप सब लोग हमारी रेसिपीज़ को लाइक भी करते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। और साथ ही साथ आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए जज़ाकअल्लाह खैर। मैं आपके सभी कमेंट्स रीड करती हूँ और सभी कमेंट्स का रिप्लाई भी देती हूँ। तो बातों ही बातों में यहाँ पर चने भी फ्राई हो चुके हैं, तो देखिए इतने ज़बरदस्त से थे, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, तो इसे ज़रूर ट्राई किएगा। बस इसी तरीके से मम्मी वन बाय वन सभी चने को फ्राई कर दिए गए। सभी के लिए सेम स्टेप ही है कि आपने एक वन बाय वन करके ही फ्राई करना है, और जो है इसमें ऑयल का टेम्परेचर ध्यान रखना, ठंडे तेल में या बहुत ज़्यादा गर्म तेल में भी फ्राई नहीं करना, मीडियम फ्लेम हो। और बस इसी तरीके से मम्मी ने सभी को फ्राई कर लिए। अभी जो है मम्मी लहसुन फ्राई करेंगे, तो लहसुन फ्राई करने के लिए भी मेक श्योर करें कि आपके पास इस तरीके का स्पून हो जो आपको दिख रहा है मम्मी ने यूज़ किए है, तो इसमें सभी लहसुन को ऐड करिएगा। उसके बाद जो है मम्मी इसे फ्राई कर लेंगे। तो जब ये फ्राई कर रहे थे तो लहसुन जो है उड़ रहे थे, क्योंकि ये इस पर स्किन होती है और इसे स्किन के साथ फ्राई किया जाता है, छिले हुए लहसुन नहीं है, तो ये ऑयल में जाने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम से देते। तो जितने भी लोग फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, तो मैं बस उनके लिए बोल रही हूँ कि थोड़ा एहतियात से डीप करना, निकालना, फिर डीप करना, फिर निकालना, ऐसा करना तो लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। एक साथ मत डालना, क्योंकि फिर उड़ने लगेंगे, और आप नए रेसिपी ट्राई कर रहे होंगे तो आपको समझ नहीं पड़ेगी। तो प्रिकॉशन के लिए हम लोग आपको ये बता रहे हैं। और साथ ही साथ इतना अपने लहसुन को फ्राई करना है स्लो फ्लेम पे कि अंदर तक अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, पक जाए, तो इससे ये होगा कि और भी टेस्टी और डिलीशियस लगेगा। इसकी स्किन देखिए बाहर से थोड़ी सी लाइट गोल्डन ब्राउन सी हो गई है, और ये अंदर एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। हाँ, ये गोल्डन फ्राई हो गए ना बाहर से, तो समझ जाओ अंदर पक गए हैं ये। तो बस इसी तरीके से आपने भी ट्राई करना है ये रेसिपी को, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही साथ अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए होंगे, तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में रेसिपी को शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। Till then, take care, bye-bye, Allah Hafiz। तो देखिए मम्मी जो है यहाँ पे आपके सामने बता भी रहे, ये बाहर से इतने क्रिस्पी थे और अंदर से सॉफ्ट और अच्छी तरीके से पक चुके थे, क्योंकि हमने इसे बॉयल भी किए थे। और साथ ही साथ ये लहसुन भी देखो मम्मी पील करके बता रहे, छील के इतने अच्छे थे, ज़बरदस्त, देखिए इतने बेहतरीन से थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड, जज़ाकअल्लाह।